अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम, और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहा अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूं कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहां रहें खुश पाश रहें, और अल्लाह पाक की रहमत भरा साया हमेशा हम सब पे कायम और दायम रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली स्टोरी मेरे साथ सोनिया ने शेयर की है। सोनिया कहती हैं कि मैं मुल्तान में रहती हूँ, और आज मैं आपके साथ अपनी कज़न की ज़िंदगी का एक खौफनाक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। सोनिया बताती हैं कि हम लोग सराइकी लोग हैं, और उधर हम लोग जैसे हम लोगों के बहुत खुले खुले बड़े बड़े घर हैं, हम लोग अक्सर अपना जो खाना वगैरह है वो बाहर सहन में ही तैयार किया करते हैं। वहाँ बाकायदा गाँव में किचन का कोई सिनेरियो नहीं है। अक्सर हम सारी कज़नें इकट्ठी होकर अपनी जो हम लोगों की ज़मीनें हैं उधर दरख्त के नीचे बैठ कर भी हम लोग खाना वगैरह बनाया करते हैं। अक्सर हम लोगों की ये रूटीन है, हम लोग बहुत इन्जॉय किया करते हैं वो। सोनिया कहती हैं गांव की और शहर की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, जो गांव के लोग हैं वो शहर में नहीं रह सकते। इसी तरह मेरी जो कज़न थी वो और मैं एक दिन अपनी ज़मीनों पर गए, और उधर हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम इधर इसी दरख्त के नीचे बैठ कर हंडिया वगैरह बनाएँगे और उसके बाद इधर ही खाना खाएँगे। हम लोगों ने इसी तरह किया, मेरी कज़न ने बैठ कर सारा वो सालन वगैरह बनाया, और उसके बाद हम लोगों ने उधर ही बैठ कर दोनों ने खाना खाया। शाम जब हुई तो हम लोग घर चली गई, हम लोगों के घर सास आती थी। मेरी कज़न जब रात को सो गई तो उसको ऐसे लगता था कि जैसे कोई उसको ख्वाब में डरा रहा हो, वो ख्वाब में बहुत ज़्यादा डर रही थी। सुबह उठी, उसने मुझे बताया कि सोनिया मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था रात को, जैसे मैं सोई थी मैं बहुत ज़्यादा भाग रही थी ख्वाब में, और मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा हो। मैंने कहा कि ख्वाब आ जाते हैं, तुम इतनी परेशान मत हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी कज़न को तसलसल से इसी तरह के खौफनाक डराने ख्वाब आने लगे। मेरी कज़न बहुत ज़्यादा डरने लगी, और इस हद तक डर गई कि वो रात को सोते सोते चीखें मारने लग जाती थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई इसने मेंटली स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से ये इस तरह हो रही है। लेकिन उसको ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था जिसकी वजह से उसकी हालत इस तरह की हो। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी कज़न ये कहने लगी थी कि उसको एक काला साया नज़र आने लग जाता है, यानी कि एक बहुत बुलंद कद का साया है। वो साया देखने में औरत का नहीं है, किसी मर्द का है, और वो साया उसको नज़र आता था, वो इस हद तक उसको नज़र आता था। और वो जो साया था वो उसको बहुत ज़्यादा नज़र आता था, वो अभी फ़िलहाल उसको नुकसान नहीं दे रहा था लेकिन उसको डरा रहा था। ख्वाब में भी आता था और अब हकीकत में उसके सामने आने लग गया था। जब हकीकत में उसके सामने आया, सोनिया कहती हैं, तो फिर उसके ख्वाब में आना छोड़ गया। मेरी कज़न बहुत ज़्यादा डरती थी और चीखें मारकर ये कहती थी कि वो काला साया मुझे नज़र आता है, वो काला साया मेरी जान ले लेगा। इसी तरह का जो वाकयात उसकी ज़िंदगी में चलने लगे और वो डरने लगी। उसके बाद उसको बहुत से आमिलों के पास ले जाया गया कि उसको चेक करवाया जाए, आखिर मसला क्या है, कोई वहम है, कोई दिमागी मसला है। तो उन आमिलों ने जब उसको चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये जो साया है इसने किसी ऐसी जगह पर ये बैठी है, कुछ ऐसा किया है जहाँ पर इनका बसेरा था। तो सोनिया कहती है मैं भी साथ गई थी, क्योंकि मेरी कज़न मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, मैं भी उसके साथ गई थी। मैंने उसको बताया, उस आमिल को बताया कि हमने आज से एक माह पहले अपनी ज़मीनों के एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना वगैरह खाया था। मैं तो उठकर चली गई थी लेकिन मेरी कज़न मुसलसल उधर बैठकर सालन वगैरह बनाती रही, और उधर ही उसने रोटियां भी बनाई। उन्होंने कहा कि उस दरख्त के ऊपर एक जिन्नात, यानी जिन्नात का एक पूरा कबीला था जिसकी वो ऊपर रहते थे, उनका इसके ऊपर बसेरा हो गया, इसीलिए वो इसको डरा रहे हैं। उनकी वो जगह थी, जब ये उधर खाना वगैरह बना रही थी तो उस टाइम वो उधर मौजूद थे। क्योंकि जो जिन्नात होते हैं वो कहते हैं कि वो अपनी जो जगह है उस पर किसी और की जो मौजूदगी है वो बर्दाश्त नहीं करते। उसके बाद मेरी कज़न को अब दिन ब दिन वो साया नज़र आने लगा और उसको बहुत ज़्यादा तंग करने लगा। वो सामने आकर उसके खड़े हो जाता था, जब उसके सामने खड़ा होता था तो मेरी कज़न आंखें बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करती थी और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते थे। जब तक वो साया उसके सामने रहता था उसकी यही कंडीशन रहती थी, कभी वो दीवार के किसी एक कॉर्नर में देखने लग जाती थी, कभी छत की तरफ ऊपर से देखने लग जाती थी। उस साये की ये निशानी थी, जब वो चला जाता था तो उसके बाद मेरी कज़न बेहोश हो जाती थी। उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, वो बहुत तकलीफ़ में थी,
हत्ता के इस हद तक उसको तकलीफ़ में थी कि वो जब होश में आती थी तो वो सुसाइड करने लगी थी। यानी कि वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत बदतर है, क्योंकि जब मैं होश में आती हूँ तो वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, और जब मैं वो चीज़ मेरे सामने से चली जाती है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सी जगहों से तावीज़ लिए, जब हम तावीज़ लेते थे तो वो चीज़ ज़्यादा हावी हो जाती थी उसके ऊपर, वो ज़्यादा उसको नज़र आने लग जाती थी। फिर हम एक बहुत पहुँचे हुए आमिल के पास गए। बिलाखिर उस आमिल ने इस चीज़ की तशखीस की और उसने कहा कि इस चीज़ को मैं अपने कंट्रोल में ले आऊँगा, लेकिन इस अमल के दौरान मेरी कुछ शरायत होंगी जिन पे आपने पूरा उतरना है। मैं जो जो काम कहूँगा आपने वो करना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये सारे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारी बेटी बच जाए तो इससे बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि उस आमिल ने ये कहा कि इस लड़की को उसी दरख्त के नीचे लेकर जाना है आपने, और उधर ढेर सारा बड़ा गोश्त कच्चा रखना है, और वो गोश्त आपने 4 से 5 दिन लगातार रखना है। चौथे या पाँचवें दिन ख्वाब में वो चीज़ बच्ची की ख्वाब में आएगी या बच्ची के वालदैन में से किसी के ख्वाब में आएगी और उनको बता देगी कि वो इसकी जान छोड़ेंगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ा कच्चा गोश्त उस दरख्त के नीचे रखा गया, 4 से 5 दिन लगातार रखा गया, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद कोई चीज़ ख्वाब में नहीं आई। लेकिन उसके बाद उस बच्ची की तबीयत, उस लड़की की तबीयत, सोनिया कहती है मेरी कज़न की तबीयत ठीक होने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि उस दरख्त के नीचे बिल्कुल भी मत जाएं। अगर आप उस दरख्त के नीचे जाकर कोई काम करेंगे, बैठेंगे, तो फिर वो चीज़ आपको नुकसान देगी। सोनिया कहती है इस तरह मेरी कज़न की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन फिर हम लोगों ने अपनी ज़मीनों पर मुकम्मल तौर पर जाना छोड़ दिया लड़कियों ने, क्योंकि वो चीज़ उधर बहुत ज़्यादा थी। ये एक स्टोरी थी सोनिया की, जो उन्होंने मुल्तान से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सोनिया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर मोहम्मद आसिफ ने। मोहम्मद आसिफ़ कहते हैं मैं काफ़ी दिन से बीमार था और आपके साथ स्टोरी शेयर नहीं कर सका। इसी सिलसिले में मैं क्यों बीमार था ये मैं सारी बात आपके साथ और आपके लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आसिफ़ कहते हैं कि मेरा काम और मेरे वाले साहब का काम कुछ इस तरीके से है कि हम लोग कोई पुरानी जगह होती है या कोई प्लॉट वगैरह होता है, उसको ख़रीदते हैं और उधर घर बनाते हैं, और फिर उस घर को या उस इमारत को जो भी हम बनाते हैं सेल कर देते हैं। ये हम लोगों का काम है। ईद के बाद की बात है, मैं और जो मेरे अब्बू थे हालिया दिनों में, मोहम्मद आसिफ़ कहते हैं कि हमने एक प्लॉट पर एक घर बनाया और उसको सेल कर दिया। हम जिस इलाके में रहते हैं वो जगह सखर में ये लोग रहते हैं, और वो कहते हैं कि सारे जानते हैं कि हम लोगों का ये काम है। तो एक दफ़ा एक शख्स की मुझे कॉल आई और उसने मुझे कहा कि मैं आपसे कोई ख़रीदो फरोख्त के मुतालिक बात करना चाहता हूँ, इस जगह पे मेरी शॉप है, आप इधर आ जाएं और मैं आपसे बात मिलूँगा। मोहम्मद आसिफ़ कहते हैं मेरे जो वाले साहब थे वो उस दिन घर पर थे, मुझे उस शख्स की कॉल आई और उसके बताए हुए एड्रेस पर मैं उसके पास चला गया। उसकी 3 से 4 दुकानें थीं जिनको वो सेल करना चाहता था, और एक उसकी शॉप के सामने बिल्कुल एक घर था। वो उसने बताया कि ये घर मेरा है और मैं इस घर को सेल करना चाहता हूँ। मैंने जब उस घर को देखा वो घर खासा बुसीदा और पुराना था। उसने मुझे उस घर की जो ताले की चाबी थी वो दी और कहा कि आप मेरे साथ अंदर चलें और अंदर से देख लें। मैं ताला खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन ताला जंग की वजह से खुल नहीं रहा था। ऐसे लगता था कि काफ़ी अरसे से इस घर को इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया जब से छोड़ा है। बड़ी मुश्किल से मैंने ताला खोला और मैं ताला खोलकर जैसे ही अंदर इंटर हुआ तो उस घर में बहुत गंदी स्मेल थी। इतनी गंदी स्मेल थी कि मेरा दिल चाह रहा था मैं वहाँ से भाग जाऊँ। वो शख्स भी मेरे पीछे अंदर इंटर हुआ। मैंने जब रूम का दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते साथ ही मेरे ऊपर ऐसी गंदी स्मेल ने असर किया कि मैं बेहोश होने लगा था। खैर मैंने उस शख्स को कुछ नहीं बताया, मेरे साथ वो भी था, वो भी इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि इधर बहुत गंदी और गलीस किस्म की स्मेल है। हमने दूसरे रूम के डोर को ओपन किया तो उधर हमने क्या देखा कि उधर ढेर सारे मरे हुए परिंदों के पर पड़े हुए हैं, और उधर जैसे भुना हुआ गंदा गोश्त पड़ा हुआ था जिसमें से गली सड़ी स्मेल आ रही थी। वो सारी उसी गोश्त की स्मेल पूरे घर में फैली हुई थी। उस शख्स ने जब देखा कि उसके घर की क्या हालत हुई पड़ी है, उसका घर इतना गलीस और गंदा हो चुका था, ऐसे था कि किसी खंडर से भी बदतर था वो। वो कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि तुम्हारे घर की क्या हालत हुई पड़ी है, तो उस शख्स ने कहा कि मैं इस घर को सेल करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप घर ऐसी जगहों को ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद खुद ही उसको बनाकर सेल आउट कर देते हैं, तो मैं इस जगह को सेल करना चाहता हूँ और वो जो शॉप्स हैं उनको भी सेल करना चाहता हूँ।
मोहम्मद आसिफ कहते हैं, मैंने उसको कहा ठीक है मैं घर जाऊंगा और अपने वाले साहब से इस बात के बारे मुतालिक मशवरा करके तुम्हें बताऊंगा कि हमने ये घर लेना है कि नहीं लेना। खैर मैं वापस आ गया, मैं बहुत ज़्यादा उस दिन थका हुआ था, बाकी भी कई काम करने थे जो मैंने किए, और मैंने घर आकर अपने वाले साहब को ये सारी बात बताई और खाना खाने के बाद थकावट की वजह से मैं सो गया। जैसे ही मैं सोया हूँ तो सोने के कुछ देर के बाद मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से झंझोड़ा और झंझोड़ कर कहा उठो। जैसे ही मैं उठा तो मैंने उठकर इधर उधर देखा, इधर उधर कोई भी नहीं था। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर मुझे किसने जगाया, और जब मैंने इधर उधर देखा तो कमरे में मुसलसल अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था और मेरे सिवा भी कमरे में कोई नहीं आया था। मैं उसको अपना वहम करार देकर मैं सो गया, और सोने के बाद मैं अभी थोड़ी देर ही हुई होगी मुझे सोने में, तो मुझे उसके बाद दोबारा फिर किसी ने बहुत ज़ोर से झंझोड़ा और झंझोड़ कर कहा कि उठो। मैं उठा तो मैंने फिर अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ को नहीं पाया, और उसके बाद कमरे में से एक बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी कि गलती से भी उस घर में जाने की कोशिश मत करना, अगर तुम उस घर में गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे ख़ानदान को जान से मार दूँगा। मोहम्मद आसिफ कहते हैं, मैं इस बात को सुन के डर गया और मुझे अजीब सी ये खौफ तारी हो गया कि कहीं मेरे घर वालों को कोई नुकसान ना दे दे, मेरे पेरेंट्स को कोई कोई तकलीफ़ ना दे दे। मैंने उस चीज़ को कहा, तुम जो भी चीज़ हो मेरे सामने आओ, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे सामने नहीं आई। खैर थोड़ी देर के बाद मैं सो गया, उसके बाद मुझे किसी चीज़ ने तंग नहीं किया। मैं जैसे ही सुबह उठा, सुबह उठकर मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डरा हुआ था कि ये किस चीज़ की ख्वाब थी और ये क्या चीज़ थी जो मुझे उठाकर ये बता रही थी बकायदा कि तुम उस घर में मत जाना, रात को तो मैं वही घर देख कर आया था और तो मैं किसी घर को देख कर नहीं आया। मैंने अपने अबू को बताई ये सारी बात और कहा कि अब इसका क्या हल है, वो चीज़ हमें कहीं नुकसान ना दे दे। जिसमें मेरे वाले साहब ने कहा कि तुम ये इरादा कर लो कि तुमने उस घर को नहीं लेना, और उसके बाद तुम उस शख्स को भी जाकर कह दो कि हमने उस घर को नहीं ख़रीदना। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि मैंने अपने वाले साहब की बात को माना और मैं फ़ौरन ही उस शख्स की शॉप की तरफ गया। जब मैं उसकी शॉप की तरफ गया तो कुछ लोगों ने कहा कि आप उसकी घर की उसका जो घर है जहाँ पर उसकी रिहाइश थी आप उधर चले जाएं, आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। जैसे मैं उसकी घर की तरफ गया तो उस शख्स के घर में बहुत ज़्यादा चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मुझे किसी ने बताया कि वो जो शख्स था जिसको आप कल मिले थे वो कल तक बिल्कुल ठीक था, पता नहीं रात को उसको ऐसी क्या तकलीफ हुई है जिसकी वजह से सुबह उसकी डेथ हो गई है। मैं ये समझ चुका था कि ये उसी शैतानी चीज़ का था काम जिसने उसको जान से ही मार दिया कि ये कहीं वो घर सेल ना कर दे। अगर मैं वो घर ले लेता तो मेरे क्या हाल होते। मैं बकायदा दोबारा अफसोस भी मैंने किया और मैं बकायदा उस घर के गेट के आगे गया, जिस घर में मैं गया था कल, मैंने उस घर के आगे खड़े होकर बकायदा ये उस गेट के अंदर अपने फेस को ऐसे देखा और बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं इस घर को बिल्कुल ख़रीदना नहीं चाहता और आप लोग बिल्कुल भी मुझे या मेरे पेरेंट्स को नुकसान मत देना। फिर वो कहते हैं कि मोहम्मद आसिफ कहते हैं, मैं घर आ गया, मैंने अपने वाले साहब को बताया कि उस शख्स की डेथ हो गई है जिसने वो घर मुझे बताया ख़रीदने के लिए कहा था, जिसका वो घर था। उन्होंने कहा कि अगर तुम उस घर को ख़रीदने का इरादा कर लेते तो सोचो हम लोगों का क्या हशर होता। मोहम्मद आसिफ कहते हैं, बात अभी इधर ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल मुझे कोई चीज़ रात को तंग करने लगी थी। फिर उसके बाद मोहम्मद आसिफ कहते हैं, कोई चीज़ रात को रोज़ मुझे जगाती थी और बहुत ज़्यादा तंग करती थी। वो चीज़ें बकायदा तौर पर, मतलब वो कुछ शैतानी जिन्नात थे जो मुझे तंग करने लग गए थे। फिर हम लोगों के बहुत पहुँचे हुए एक बुज़ुर्ग हैं वो, जो कि सखर में ही रहते हैं। मैं अपने उन पीरो मुर्शिद के पास गया, मैंने उनको ये सारा वाक़या बताया और मैंने कहा कि मुझे कोई दम वगैरह करें या कोई ऐसा तावीज़ दें कि ये चीज़ें मेरी जान छोड़ दें। फिर उसके बाद मेरे वो जो पीरो मुर्शिद थे उन्होंने मुझे कोई तावीज़ वगैरह दिया, मुझे दम किया, मैं 3-4 दिन उनके पास रहा। उन्होंने फिर मुझे एक पानी दिया दम करके, उन्होंने कहा कि इस पानी से तुमने नहाना भी है और तुमने इस पानी को पीना भी है। मैंने उस पानी को पिया भी और मैं उस पानी से नहाया भी। उसके बाद उस चीज़ ने मुकम्मल तौर पे मेरी जान छोड़ दी। मोहम्मद आसिफ कहते हैं, ये दिन मैंने बहुत तकलीफ़ और टेंशन में गुजारे हैं, इसी वजह से मैं आपके साथ स्टोरी भी शेयर नहीं कर सका, और आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए बहुत दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी और सेहत दे। आमीन। मोहम्मद आसिफ, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी और सेहत दे और ऐसी शैतानी मखलूक़ात के हमले से बचा ले। आमीन। ये स्टोरी थी मोहम्मद आसिफ की जिन्होंने
सखर से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिफ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरी रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर सिंड्रीला ने। सिंड्रीला कहती हैं कि ये जो वाकया है ये मेरे बचपन का एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे जो अब्बू हैं उनके जो के एक फ्रेंड थे, मेरे अब्बू के काफ़ी फ्रेंड हैं और उनके साथ हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। एक अंकल है मेरे अब्बू के जो दोस्त हैं, वो मेरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी जो बेटियां थीं वो मेरी एज की थीं। उनके यहाँ एक और बेटी की पैदाइश हुई और जब उनकी वो बेटी पैदा हुई तो अंकल हमारे घर आए मिठाई लेकर। उनके साथ उनकी वो दो बेटियां भी थीं तो उन्होंने कहा कि आज तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और हमारे साथ ही रहोगी। मैंने अपने अम्मी अबू से बहुत मुश्किल से इजाज़त दी। अम्मी मेरे अलावा रहती नहीं है बिल्कुल भी, सिंड्रीला कहती हैं। मैं चली गई खैर अंकल के साथ और उनकी दो बेटियों के साथ उनके घर रहने के लिए। जैसे ही हम लोग उधर गए तो उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत आंधी और तूफान आया हुआ था, गर्मियों का मौसम था। सिंड्रीला कहती हैं उस टाइम मेरी एज 15 से 16 साल होगी। मुझे अभी तक अच्छी तरीके से याद है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आंधी और तूफान था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से अंकल ने कहा कि हम सब लोग बाहर सहन में ही चारपाइयाँ डाल लेंगे। तो अंकल ने हम सब की चारपाइयाँ बाहर सहन में डाल दी। हम लोग आधी रात तक बातें करती रहीं और उनके वो कहती हैं कि एक और बात सिंड्रीला कहती है मैं आपको बताऊं कि उनके घर में बहुत बड़ा एक किकर का दरख्त है। उन अंकल के घर में वो कहती हैं कि उस साइड पर सिंध वाली साइड पर बहुत ज़्यादा किकर के दरख्त हैं, लोगों के घरों में भी हैं। तो उनके घर में वो दरख्त भी था। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। जैसे ही हम रात को सोई तो अचानक से मौसम इतना ख़राब हुआ, बिजली चमकने लग गई। सिंड्रीला कहती हैं कि मैं उस रात को कभी भी नहीं भूल सकती। उस रात इतनी शदीद बिजली चमकी कि हम सब लोग डर गए और उठे और अंकल ने कहा कि अब हम सब लोगों को अपनी चारपाइयाँ उस बरामदे में खड़ी करके हम लोग रूम में सोएंगे। जैसे ही अंकल ने हम सबको जगाया तो अचानक से इतनी शदीद बिजली चमकी कि हर चीज़ वाइट हो गई बिल्कुल और हर चीज़ वाजिया हो गई उस अंधेरे में। तो हम क्या देखते हैं कि उनके घर के बाथरूम के अंदर से हम सब ने देखा कि एक रिंगती हुई कोई चीज़, कोई औरत नुमा वो चीज़ थी, वो रिंगती हुई उस बाथरूम के अंदर से निकली है और निकल के हम लोगों की तरफ आ रही है। अंकल ने हम सबको कहा कि जल्दी से अंदर रूम की तरफ भागो। हम लोग अंदर रूम की तरफ भागी और हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंकल ने अंदर आए और उन्होंने जल्दी से लॉक लगाया। लॉक लगाकर उन्होंने कुरान पाक उठाया और कुरान पाक का वर्द शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा बाबुलंद आवाज़ में कुरान पाक का वर्द शुरू कर दिया। सिंड्रीला कहती हैं कि अंकल फजर की अजानों तक बहुत बुलंद आवाज़ में कुरान पाक का उन्होंने वर्द शुरू किया हुआ था और वो फजर तक ये सिलसिला जारी रहा। सुबह जब हम लोग उठे तो हमने अंकल से पूछा कि वो क्या चीज़ थी। उनकी बेटियों ने भी पूछा कि वो क्या चीज़ थी। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि उनके घर में जन्नात थे और दूसरा वो जो घर था उधर यानी कि एक बच्ची की पैदाइश हुई हुई थी। वो जो 40 दिन होते हैं, पहले 40 दिन माँ के लिए और बच्चे के लिए बहुत भारी होते हैं। उन दिनों में ऐसी चीज़ें हमला करती हैं बहुत ज़्यादा इंसानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उन ख्वातीन के ऊपर जिनके घर औलाद हुई होती है, बच्चे पैदा हुए होते हैं। तो वो चीज़ उनके घर की चीज़ हावी हो गई थी, इसलिए वो रात को आई थी, वो बच्चे को नुकसान देना चाहती थी। अंकल ने हमें बताया कि वो सारी रात सहन में रिंगती रही है, घूमती रही है और जब फजर की अजानें हुई हैं तो मेरे सामने वो उसी दरख्त के ऊपर जाकर गायब हो गई। मैंने अंकल से कहा कि अंकल आप मुझे जल्दी से घर छोड़ कर आएँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल मुझे घर ले गए, मैं घर चली गई। उसके बाद मैं अंकल के घर तो दोबारा कभी नहीं गई, सिंड्रीला कहती हैं। लेकिन अंकल कहते हैं कि उसके बाद मैंने किसी आमिल को बुलाकर उस जगह पर पढ़ाई करवाई थी। पढ़ाई करवाने की वजह से वो जगह और असेब ज़्यादा हो गई, उन चीज़ों ने हमें और ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया और अपना आप वाजिया करना शुरू कर दिया। बिलाखिर उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और वो घर आज तक वीरान और अबेंडेड पड़ा है, उस घर में कोई भी नहीं जाता। सिंड्रीला कहती हैं ये बिल्कुल सच्ची एक खौफनाक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपके सुनने वालों ने इससे ज़रूर नसीहत भी ली होगी और इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। ये कहानी थी सिंड्रीला की जो उन्होंने सिंध से मेरे साथ शेयर की। सिंड्रीला कहती है सिंध में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, उधर बहुत ज़्यादा यानी कि मैदानी इलाके हैं, आबादी है सही लेकिन शहरों की तरह आबादी नहीं है, बहुत शोर शराबा नहीं है, लोग जल्दी सो जाया करते हैं, जल्दी अपने घरों में अंदर चले जाया करते हैं। इस वजह से उन जगहों पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का बसेरा है, घरों में बहुत ज़्यादा ऐसे जिन्नात हैं। बहुत शुक्रिया सिंड्रीला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर ये सिंड्रीला की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एक और छोटा सा शॉर्ट वाक्या है जो कि हरुणाबाद से रुबाब ने शेयर किया है। रुबाब कहती हैं हम लोगों के घर में इस कदर जन्नात हैं, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वो हमारे जो फ्रिज के अंदर बच्चों के लिए आइसक्रीम रखी होती है वो खा लेते हैं,
आधे से ज़्यादा वो आइसक्रीम खा लेते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब भी बच्चों के लिए आइसक्रीम लाते हैं तो उनके बच्चों के लिए भी मेरे हस्बैंड ज़रूर एक्स्ट्रा आइसक्रीम लेकर आते हैं, जो कि वो चीज़ें खा लेती हैं। वो कहती हैं अब जो मेरे घर में मेहमान आते हैं वो भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हम लोगों के घर में ढेर सारे पड़े हुए हैं, पौधे वगैरह पड़े हुए हैं। तो कोई भी जब आता है मेहमान हमारे घर, अगर कोई शहर में जाए, तो कोई बहुत ज़ोर से उन पौधों को हिलाना शुरू कर देता है, झुंझोड़ना शुरू कर देता है और वो वाज़िया हिलते हैं। तो जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं वो मतलब देख कर डर जाते हैं। सब लोग बड़े दिल के नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहती हैं कि ईद की वजह से हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त आया था, उसके बाद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा तंग करने लगी थी। गुजरते हुए अपना हाथ साथ लगा देती हैं, ऐसे महसूस होता है कि कोई लम्स हम लोगों के साथ लगा है, पाँव को छेड़ देती हैं और बहुत ज़्यादा पौधों को हिलाती हैं और हम अपने होने का एहसास दिलाती हैं, हमें बहुत ज़्यादा डराती हैं। ये कहानी थी रुबाब की। रुबाब कहती है मैं मज़ीद अपने घर के वाक़े आपके साथ शेयर करूँगी जो उन्होंने हरुणाबाद से शेयर की। बहुत शुक्रिया रुबाब अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को विज़िट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की, तो आप सब अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे और मेरी फेसबुक आईडी पे भी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ग्रुप का लिंक भी शेयर है, फेसबुक ग्रुप जो कि हॉरर जन्नत की किसी कहानियों के नेम से है। उस लिंक को भी आप उसमें जाकर क्लिक करेंगे तो आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमेशा दुआ लेने वाले बने, जो दुआ लेते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। इसीलिए सबसे दुआ लें और दुआ लेने और देने वाला इंसान अल्लाह के बहुत करीब और अल्लाह के बहुत महबूब इंसान होता है। और आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी हम सब के वालदैन की अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती उनको अता करे। और आप सब और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब अपने वालदैन की बहुत खिदमत और उनसे बहुत मोहब्बत करें और उनकी दुआएँ लें, क्योंकि वालदैन की दुआ ही हमें ज़मीन से अर्श तक ले जाती है। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए और इस पर आप ज़रूर अमल भी करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम वीर को इजाज़त दीजिए और मुझे और मेरे वालदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आपका और आपके वालदैन का अल्लाह हामी और नासिर हो।